लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवंथ ऑफ एक्सरसाइज फाइव सी दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इज अ मैन अरेज टू पे ऑफ अ डेट रुपीज थर्टी सिक्स थाउजेंड बाई फोर्टी मंथली इंस्टॉलमेंट एक मैन को अपनी डेट्स अपने कर्जे उतारना था तो उसने उस थर्टी सिक्स थाउजेंड उतारना था जो उसने फोर्टी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में तय किया विच फॉम्स इन अर्थमेटिक सीरीज एक टाइप की अर्थमैटिक सीरीज वेन थर्टी ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड जब वो तीस इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी ही डाइज लिविंग वन थर्ड ऑफ द डेट अनपेड वो मर गया और उसकी वन थर्ड जो डेट्स थी वो अनपेड रह गई फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है कितनी थी तो हम लिख लेते हैं हमारी टोटल डेट्स कितनी थी उसकी थर्टी सिक्स थाउजेंड टोटल डेट्स थी उसकी डेट्स थी रुपीस थर्टी सिक्स थाउजेंड और उसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी थी फोर्टी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स इज फोर्टी थी राइट right? अब थर्टी इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो उसकी वन थर्ड डेट लेफ्ट हो गई है राइट right? बच गई है तो आफ्टर पेइंग थर्टी इंस्टॉलमेंट्स

तो हमें उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी कितनी है तो हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता नहीं है तो हमने उसको लेट कर लिया लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी एक्स एक्स रुपीज पे करी अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ हिस डे थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ इन फोर्टी इंस्टॉलमेंट्स विच फॉर्म्स इन अर्थ मैटिक सीरीज एक अर्थ मैटिक सीरीज बन गई थी तो डैट मीन्स एक इक्वल अमाउंट तो नहीं दे रहा होगा ना अगर हमें थर्टी सिक्स को फोट थर्टी सिक्स थाउजेंड को फोर्टी से डिवाइड कर दूं तो मेरा नाइन हंड्रेड आ रहा है तो मैं ये तो नहीं कह सकती हर महीने नाइन हंड्रेड दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि अर्थमेटिक सीरीज बना रहा है तो दैट मीन्स अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक्स है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या होगी कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं हमारी ए पी की सीरीज बनेगी दैट इज एक्स प्लस डी यहाँ पर डी क्या है कॉमन डिफरेंस एंड यहाँ लिख लेते हैं एंड डी बी का कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस राइट और वो कह रहा है एक्स प्लस टू डी हो जाएगी एंड सो ऑन राइट लेकिन हमें पता है उसने तीस इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी तो हम थर्टी एथ इंस्टॉलमेंट पे एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन डी बैठेगी क्योंकि थर्टी एट टर्म क्या बैठेगी हमारी थर्टी एट टर्म क्या बैठेगी अगर x x हमारा फर्स्ट टर्म है तो x प्लस ट्वेंटी नाइन डी बैठेगी तो यही लिख रही हूँ ये थी अब क्या करना है हमें हमें फर्स्ट वैल्यू निकालनी है कि कितनी पे की अब हमें थर्टी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता है कि उसने कितना दिया निकाल सकते हैं ईजिली देखिए हमारी टोटल डेट थर्टी थिक्स सिक्स थाउजेंड थी और उसकी बारह हज़ार अनपेड थी तो टोटल डेट ही पेड टोटल डेट ही पेड कितनी हो गई दैट इज थर्टी सिक्स थाउजेंड में से जितना रिमेन अनपेड थी वो निकाल ली मैंने तो ये आ गई हमारी ट्वेंटी फोर थाउजेंड आ गई सीधी सीधी तो इसका मतलब इस सीरीज़ का सम हमारा ट्वेंटी फोर थाउजेंड है तो सम ऑफ एनथ टर्म क्या होता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी फिर से समझा देती हूँ एक बार हमें पता है टोटल डेट थर्टी सिक्स थाउजेंड थी जो चालीस मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करनी थी लेकिन इस अमाउंट का थर्ड वन थर्ड उसने अनपेड रखा और उसकी डेथ हो गई राइट तो कितना अमाउंट अनपेड रखा ट्वेल्व थाउजेंड लेकिन कितना पे कर दिया उसने दैट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड कैसे निकाला जितना हमारा टोटल था उसमें से जो अनपेड रहा वो हमने माइनस कर दिया राइट लेकिन हमें ये भी पता चल गई कि कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर चुका था थर्टी राइट right? अब हमें ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता है ना हमें ये पता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या थी क्यों नहीं पता क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते अगर मैं थर्टी सिक्स थाउजेंड को फोर्टी से डिवाइड कर दूं तो नाइन हंड्रेड का अमाउंट आ रहा है कि नाइन हंड्रेड वो हर महीने देता रहा लेकिन ऐसा तो नहीं है क्यों क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि अर्थ सीरीज बना रहा है तो अर्थ सीरीज क्या होती थी कुछ आज दिया कुछ बढ़ा के नेक्स्ट दिया फिर उतना ही बढ़ा के नेक्स्ट उस ये होती थी राइट तो अब हमें पता चल गई थर्टी थर्टी इंस्टॉलमेंट की लास्ट सीरीज़ ये हो गई एक्स प्लस टू ट्वेंटी नाइन्टी क्योंकि थर्टी एट टर्म ऐसे ही निकलेगा राइट अब हमें सम निकाल सम पता है ट्वेंटी फोर थाउजेंड था हमें ये निकालना है ए कि ए कितना था राइट तो हमारा ये पता है ट्वेंटी फोर थाउजेंड हमारे टोटल सम था नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी थर्टी थी क्योंकि थर्टी इंस्टॉलमेंट्स वो पे कर चुका था राइट टू इंटू ए हमारा एक्स है प्लस थर्टी माइनस वन इंटू डी राइट तो ये कितना आ गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड देखिए ये टू इधर चला गया थर्टी नीचे आ गया इन टू टू अपॉन थर्टी तो इक्वल्स टू टू एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन डी हो गया राइट right? थर्टी में से वन गए ट्वेंटी नाइन ये देखिए ज़ीरो से जीरो गया थ्री वन जो थ्री थ्री एट ज ट्वेंटी फोर और दो ज़ीरो तो एट टू जो सिक्सटीन हंड्रेड इक्वल्स टू टू एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन डी ये आ गई अब ए डी तब भी नहीं निकले तो अब देखिए अगर वो डाई नहीं करता और चालीस इंस्टॉलमेंट पे करता और थर्टी सिक्स थाउजेंड पूरे पे करता तो भी हमें पता चल सकता है फर्स्ट वैल्यू कितनी थी तो हमने उसी को एनथ फॉर्मूले में रखा कि लाइक like हमारा थर्टी सिक्स थाउजेंड उसे पे करना था इक्वल्स टू टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी फोर्टी थी इंटू टू एक्स ही था फर्स्ट पेमेंट प्लस हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट फोर्टी माइनस वन इंटू डी या तो हम ट्वेंटी फोर थाउजेंड जो सम पे किया उसके थ्रू निकाल सकते थे या अगर वो टोटल पे करता तब निकाल सकते थे तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इन केस ही विल नॉट डाई अगर वो ना मरे तो उस केस में हमारा सम क्या आता तो देखिए यहाँ टू मल्टीप्लाई में कर रही हूँ और फोर्टी नीचे ला रही हूँ तो ये आया थर्टी सिक्स थाउजेंड इंटू टू अपॉन फोर्टी इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थर्टी नाइन डी तो ये कितना गया ज़ीरो से ज़ीरो गया फोर वन जो फोर फोर नाइन जो थर्टी सिक्स दो जीरो तो यह आ गया एटीन हंड्रेड इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थर्टी नाइन डी या आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन तो दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं तो पहली थी टू एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन डी इक्वल्स टू सिक्सटीन हंड्रेड और दूसरी थी टू एक्स प्लस थर्टी नाइन डी इक्वल्स टू एटीन हंड्रेड राइट अब देखिए मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ ये दोनों सेम है ये हम लीनियर इक्वेशन में सीख चुके हैं तो मैं नीचे वाले के साइन चेंज कर देती हूँ तो ये कितना आ गया ये कैंसिल हो गया थर्टी नाइन माइनस का ट्वेंटी नाइन प्लस का तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए साइन बड़े वाले का लग गया इसी तरीके से एटीन हंड्रेड माइनस का सिक्सटीन हंड्रेड प्लस का तो साइन बड़े वाले का लग गया और आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए तो माइनस माइनस कैंसिल तो डी कितना आ गया टू हंड्रेड अपॉन टेन दैट इज़ ट्वेंटी आ गया अब एजिली निकाल सकते हैं पुटिंग D equals to 20 in equation वन 1 में रखा तो 2x plus 29 into 20 equals to 1600. तो ये कितना आगे 2x plus एक्स प्लस ज़ीरो टू नाइन जो एटीन टू टू and फोर equals to 1600. तो 2x आगे हमारा 1600 में से फाइव माइनस हुआ तो 2x आ गया हमारा 0, 2, 5 में से 5 गया 0 एंड 1। तो x आ गया हमारा 1020 ज़ीरो टू ज़ीरो अपॉन टू टू फाइव जर टेन टू वन जो टू एंड ज़ीरो तो हमारी हमें निकालना था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता चल गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट Paid by men is paid by men is rupees five hundred and ten is the answer.